हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जी के हिंदी न्यूज़ में। दोस्तों, जब भी हम LIC की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दोस्तों एक ट्रस्ट वाली बात आती है और LIC की जो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उन सब के बारे में बात आती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं भी अपनी इस वीडियो में आपको एक ऐसी बेहतरीन योजना बताऊंगा जिसके तहत मात्र आप 9 रुपये रोज़ खर्च करके या 9 रुपये रोज़ जमा करके आप दोस्तों पा सकते हैं 4.5 लाख रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें मात्र आपको 9 रुपये जमा करने हैं और उसके बदले दोस्तों जो आपको मिलने वाली राशि है वो होगी दोस्तों लगभग 4.5 लाख रुपये या उससे भी ज़्यादा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि ये LIC की बेस्ट स्कीम्स में से कैसे आती है और कैसे हम इसे जुड़ सकते हैं, और अगर हम इस स्कीम को LIC की इस स्कीम को चुनते हैं तो इसमें हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मैं आपको A to Z इस योजना के बारे में बताऊंगा। मैंने और भी कई सारी वीडियोस दोस्तों LIC से संबंधित बनाई हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों इससे रिलेवेंट अगर कोई भी बात हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब भी आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ रोज़ाना 9 रुपये जमा करके पाएँ दोस्तों 4,56,000 रुपये। तो क्या है ये योजना दोस्तों? LIC न्यू जीवन आनंद योजना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें दोस्तों डबल फायदा होता है। कैसे होता है, इन सारी बातों को अभी समझेंगे। सबसे पहला फायदा जो इस योजना को चूज़ करने पे मिलता है दोस्तों, इसमें निवेश पर आपको इनकम टैक्स की जो छूट है वो भी मिलती है। और दूसरा बड़ा फायदा इस योजना का ये है दोस्तों कि इसमें रिस्क कवर अवधि के बाद में भी रहता है। तो इन दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब है, इनके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। और पहले जान लेते हैं दोस्तों इस स्कीम के, यानी कि LIC के न्यू जीवन आनंद योजना या न्यू जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में। कौन ले सकता है दोस्तों इस पॉलिसी को? सबसे पहली बात यही आती है दोस्तों कि इस पॉलिसी को, जो LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी है, इसको कौन ले सकता है? तो सबसे पहले इसी चीज़ को समझ लेते हैं दोस्तों। न्यू जीवन आनंद पॉलिसी जो LIC की पॉलिसी है, इसे देश का कोई भी व्यक्ति जिसकी एज दोस्तों 18 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल हो, ये वो इस स्कीम को लेने के लिए एलिजिबल है। अब इसमें बात आती है दोस्तों, जो इसका मिनिमम सम एश्योर्ड है वो कितना होता है जीवन आनंद पॉलिसी का? इस पॉलिसी के तहत दोस्तों आपको कम से कम 1,00,000 रुपये का सम एश्योर्ड लेना होता है, यानी कि कम से कम आपको 1,00,000 रुपये उसमें सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5,00,000 रुपये भी ले सकते हैं, आप 10,00,000 रुपये भी ले सकते हैं। जो सम एश्योर्ड होता है दोस्तों, इसमें जो हमारी हर महीने रकम जाती है या जो प्रीमियम जाता है दोस्तों, ये प्रीमियम हमारे सम एश्योर्ड पर ही डिपेंड करता है। तो अगर आप 1,00,000 रुपये का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको दोस्तों कितना फ़ायदा मिलेगा? फिर आपको दोस्तों जो मात्र 9 रुपये उसमें जमा करने पड़ेंगे डेली बेसिस पर, आपको मिलेंगे 4.5 लाख रुपये। इसी हिसाब से अगर आप सम एश्योर्ड ज़्यादा चूज़ करते हैं, 2 लाख करते हैं, तो ये भी अमाउंट दोस्तों डबल हो जाएगा, और ये जो अमाउंट है ये डबल से भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा। सही है। तो और आगे दोस्तों इस योजना के बारे में जानते हैं। इसमें अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें अपनी मर्जी से सम एश्योर्ड ले सकते हैं। पॉलिसी की जो अवधि है दोस्तों, पॉलिसी की अवधि है 15 साल से लेकर 35 साल। सही है, आप इस पॉलिसी को 15 साल से लेकर 35 साल के लिए चुन सकते हैं। न्यू जीवन आनंद पॉलिसी को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से, जैसे आपको सूटेबल हो वैसे आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके प्रीमियम के भुगतान की अगर हम बात करें, पॉलिसी के लिए सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक, जिस तरीके से भी आप जमा करना चाहें वो आप जमा कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों 9 रुपये रोज के हिसाब से मासिक यानी कि हर महीने इसकी किस्त की बात करें तो लगभग 270 रुपये आपको हर महीने जमा करने पड़ेंगे। इसी आधार पर दोस्तों प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि इस पॉलिसी को खरीदने के 3 साल बाद आप इस स्कीम पर लोन भी ले सकते हैं। सपोज आपको अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो आपको पॉलिसी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप 3 साल के बाद में इस स्कीम पर यानी कि LIC की इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। सम एश्योर्ड के साथ दोस्तों सिंपल जो रिकवरी पॉइंट्स होते हैं वो मिलते हैं, प्लस फाइनल एडिशनल जो बोनस होता है वो मिलता है। सम एश्योर्ड आपको मिलेगा और जो रिकवरी बोनस होते हैं दोस्तों वो मिलेंगे, और जो फाइनल एडिशनल बोनस होते हैं वो मिलेंगे। इसकी खास बात यही है, और इसीलिए एक छोटा सा अमाउंट मात्र 270 रुपये महीने के जमा करने के बाद में दोस्तों ये अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है कि ये आपको 4.5 लाख रुपये के रूप में, फंड के रूप में वापस मिलता है।
पॉलिसी के बीच में अगर मौत हो जाती है, यदि पॉलिसी धारक की बीच में मौत हो जाती है, तो नॉमिनी को जो बीमा राशि दी जाएगी वो बीमा राशि का 125% होगा। यानी कि अगर आपने मान लीजिए 1,00,000 रुपए की पॉलिसी चुनी है, तो फिर आपको लगभग 12.5 लाख रुपए मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जो बोनस और अंतिम बोनस होता है, उसका फ़ायदा भी आपके नॉमिनी को, जिसे भी आपने नॉमिनी बनाया है, उसको मिलेगा। टैक्स में फ़ायदा दोस्तों, इनकम टैक्स के नियम की जो धारा 80C है, जिसमें आप टैक्स में बचत कर सकते हैं, उसके तहत भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, इसके और भी फायदे अगर हम नीचे देखें तो ऐसे मिलेगा। इस पॉलिसी का लाभ मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 18 साल की उम्र में इस पॉलिसी से जुड़ते हैं और 1,00,000 रुपए का सम एश्योर्ड आप 35 साल का प्लान चूज करते हैं, तो ऐसे में उनका सालाना प्रीमियम जो आपका जाएगा दोस्तों, जो टोटल प्रीमियम आपको भरना होगा, वो भरना होगा 35 साल में 1,07,645 रुपये। सही है, ये किस्त, ये रकम जो है आपको, ये कितने किस्तों में देनी है, 35 किस्तों में देनी है अगर आप सालाना प्रीमियम भरते हैं। मैच्योरिटी पर पॉलिसी धारक को दोस्तों 4.5 लाख रुपए मिलेंगे। सही है, तो ये है दोस्तों इस पॉलिसी का लाभ, जिसका नाम है LIC न्यू जीवन आनंद पॉलिसी। दोस्तों इससे संबंधित अगर कोई भी बात आपको पूछनी हो, या आपको किसी और LIC की योजना के बारे में या पॉलिसी के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाकर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। और हमारी इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें। धन्यवाद।